हाय डियर क्राफ्ट लवर्स एंड वेलकम टू इट्स बाग्यश्री स्कलर बॉक्स सो एक बहुत बड़ी गैप के बाद जाके मैंने आज ये वीडियो अपलोड किया है बिकॉज मैं इतने दिनों बिल्कुल भी श्योर नहीं थी बिकॉज आई डोंट नो हाउ यूट्यूब वाज़ वर्किंग एंड द अमाउंट ऑफ एफर्ट एंड द हार्ट आई वॉज गिविंग टू यूट्यूब द रिस्पॉन्स वॉज नॉट एट ऑल गुड सो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन के बाद uh, एक जद्दोजहद के बाद फाइनली मैंने ये वीडियो डाल ही दिया सो so, यहाँ मैं कर रही हूँ ये किचन रैक को अरेंज एंड कह सकते हो डेकोरेट करना चाहूँगी बट उसके पहले इसे क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है बेसिकली फेस्टिवल सीजन पे जो जो चीज़ मैंने यहाँ पर डेकोरेट की थी उसे देख देख के अब मैं बोर हो गई थी एंड आई नीडेड अ चेंज सो मैंने डिसाइड किया इसे completely change है इसे कम्प्लीटली चेंज करते हैं सो so, यहाँ पर मैंने इकट्ठा कर ली है वो चीज़ें जो जो मेरे आउट ऑफ साइट था या बहुत दिनों से मैंने यूज़ नहीं किया था सोचा उन चीज़ों को लेके ही डेकोरेट कर लूँ इसे एक चिटचाट वीडियो समझे और इसमें मैंने एक भी डी यूज़ नहीं किया है अपना लेकिन मैं आपसे ओवर द टाइम ओवर दिस वीडियो ये शेयर करूँगी कि इतने दिन के गैप में मैंने एग्जैक्टली क्या किया टॉप शेल्फ अरेंज करने के बाद यहाँ आते हैं नेक्स्ट साइड शेल्फ पर और इसी तरह शेल्फ़ बाय शेल्फ मैं डेकोरेट करते जाऊंगी बिकॉज़ इससे थोड़ा कम के होगा और कंफ्यूजन भी नहीं होगा सो ऐसा नहीं है कि अगर मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रही हूँ तो मैंने डी भी नहीं बनाए मैंने डी काफ़ी सारे बनाए क्योंकि यूट्यूब उतना वर्क कर नहीं रहा था लेकिन मेरा मन बहुत कर रहा था कि मैं कुछ ना कुछ बनाते रहूँ सो so, इनिशियली तो मैंने चुटपुट दिया बनाए और जब भी जो फेस्टिवल आया उसमें मैंने बहुत जीव जान से मन से अपना घर भी सजाया और फिर आता है हमारा दिवाली फेस्टिवल उसमें तो जैसे मैं क्रेजी ही हो गई मैं बनाते गई बनाते गई कुल मैंने थर्टी वन पीसेज डेकोर पीसेस फॉर दिवाली बनाए और इतने अच्छे से अपने घर को सजाया बट द ओनली थिंग इज़ द वीडियो वॉज मिसिंग आई डेंट हैड दैट डि जील टू पुट अ वीडियो ऑन यूट्यूब हो सकता है मैं शायद थोड़ा सा नेगेटिव uh, सोच रही थी बट देन uh, मैंने डी एव एस बनाना नहीं छोड़े फिर थोड़ा वेकेशन टाइम आता है तो क्रिसमस टाइम पे मैंने लगभग एटीन टू ट्वेंटी डेकोर पीसेस बनाए एंड आई वाज सो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड मेकिंग देम बट काश यूट्यूब साथ देता तो मज़ा ही आता मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि मुझे डी वीडियोस डालने चाहिए या नहीं क्योंकि आइडियाज़ बहुत है चीज़ें बहुत है करने को लेकिन यू नो रिज़ल्ट हैज़ टू बी देर मैं ये सब क्यों कह रही हूँ मुझे भी नहीं पता बट ये बात करते करते मेरा कॉर्नर तो डेकोरेट हो गया और ये मुझे एक पॉजिटिविटी देता है जब भी मैं किचन में काम करूँ कुछ बनाऊँ सो so, एक यू नो वाइब्रेटिंग कॉर्नर मुझे बहुत हैप्पी रखता है सो so, अगर आपको लगता है कि मुझे और भी वीडियोस डालने चाहिए डी आई वाई वीडियोज़ डालने चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें इससे एक एंथुजियाज़म बना रहता है और मज़ा आता है यार काम करने के लिए और हाँ बाय एनी चांस ये वीडियो आप तक रीच होता है एंड यू टैन टू ओपन दिस देन प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आपको ये स्वीट एंड सिंपल सा बहुत ही सिंपल सा मीडियो कर डेकोरेशन कैसा लगा क्योंकि ये मेरे लिए काफ़ी है ये मुझे पॉजिटिव रखने के लिए काफ़ी है एंड आई एम एन्जॉइंग इट सी यू सून गाइज़ एंड हैव अ वंडरफुल डे